वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय क्लास। और हम लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन के लेक्चर में पिछले टर्न पे डिस्कस किया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन होता क्या है, किस तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करते हैं और किस प्रकार से वायर्ड कम्युनिकेशन से हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर होता है। तो आइए हम चलिए आज डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क, कि किस तरह से हम इस जनरेशन तक पहुँचे हैं। कि अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो शुरू से हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि हम ऑन द मूव बात कर सकते थे, बट हम जनरेशन टू जनरेशन जो है उसको इम्प्रूव करते गए हैं। तो अगर हम जनरेशन्स की बात करते हैं तो हमारे पास है 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। तो 1G है आपका जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड टुडे वी आर वर्किंग ऑन फिफ्थ जनरेशन। दैट इज, इट इज स्टिल इन टेस्टिंग मोड इन इंडिया, बट वर्ल्ड वाइड ये अभी यूज हो रहा है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं कि इनिशियली क्या स्टेज थी। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, इट वॉज टोटल एनालॉग, यानी जो हमारे सेल फोन्स थे वो एनालॉग थे। ठीक है, वॉइस कॉल हमारी जो मॉड्यूलेट होती थी वो हायर फ्रिक्वेंसी पे होती थी, जबकि 150 मेगाहर्ट्ज पे। ठीक है, दो रेडियो टावर्स पे ट्रांसमिट की जाती थी, जिस हम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का हम यूज करते थे इसमें। ठीक है, दो वॉट टेक्नोलॉजी वी वे यूजिंग, FDMA। ठीक, एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, जो हमारे फोन्स थे, जो सेल फोन्स थे वो एनालॉग हुआ करते थे। 1980s में ये इंट्रोड्यूस किया गया। एवरेज स्पीड जो थी आपकी वो 2.4 KBPS थी, इट वॉज वेरी पुअर। केवल वॉइस कॉल की परमिशन थी इन वन कंट्री ओनली। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन था वो वॉइस कॉल को अलाउ तो करता था, बट इट वॉज कंट्री वाइड। ठीक है, एक कंट्री में केवल। AMPS वो जो हमारा था वो सबसे फर्स्ट जनरेशन का पहला मोबाइल सिस्टम था, जो बेल लेबोरेटरीज में USA में लॉन्च किया गया था। यूजेस FDMA एंड इज यूज फॉर ओनली वॉइस सर्विसेज। अभी आप एट प्रेजेंट क्या करते हो, डेटा सेंड करते हो, वॉइस मैसेजेस सेंड करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, मल्टीमीडियाज यूज करते हो, मल्टीमीडिया सर्विसिंग का आप फैसिलिटी यूज करते हो। लेकिन जो आपका था एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम्स, उसमें ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी। इट वॉज ओनली यूज फॉर वॉइस सर्विसेज एंड वॉज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। ठीक, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी इसकी। फोन के जो हमारे साइज थे वो काफी बड़े थे इसमें। आजकल हम क्या करते हैं, ICs वगैरह हमारी बहुत प्रचलित हैं आजकल। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आप लोग को आइडिया होगा इस चीज का, कि आप सोचते हो कि छोटे से छोटे एरिया में हम मैक्सिमम कंपोनेंट्स को फिट करके स्लीक मोबाइल आजकल सबकी पसंद भी है। तो उस टाइम पे हमारा जो फोन का साइज था बहुत ही लार्ज था। सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे नहीं थे, आपके इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, इंटरफेरेंस मैं कह सकती हूँ या आप कह लीजिए कि सिक्योरिटीज के इश्यूज थे। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, कैपेसिटी बहुत पुअर थी, बैंडविथ आपका मतलब बहुत बड़ा, बहुत लार्जर बैंडविथ आप यूज नहीं कर पाते थे। हैंड ऑफ रिलायबिलिटी भी इसमें बहुत ही पुअर थी। हैंड ऑफ आपको आगे मैं डिस्कस करूंगी कि हैंड ऑफ क्या है। जापान में भी, टोक्यो में बाद में NTT नाम से ये टेक्निक आई थी, निपन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन के नाम से। ठीक है, तो उसमें भी सेम इश्यूज थे आपके, सिक्योरिटीज नहीं थी, उसके बाद से प्रोन टू डिसऑर्डर्स। ठीक, तो एक तरह से अगर हम देखें तो आपका जो फर्स्ट जनरेशन था वो सिर्फ वॉइस क्वालिटीज, वॉइस सर्विसेज के लिए हम यूज करते थे, बट इट वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ठीक, आप ऑन द गो फीचर्स में यूज तो कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव ये नहीं था। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की। तो जो हमारा सेकेंड जनरेशन सिस्टम है वो डिजिटल हुआ, हमने अपने सिस्टम को डिजिटाइज किया। ठीक है, जो हमारी स्पीड थी हमने उसे इम्प्रूव किया, 64 KBPS तक हम ले गए, जो कि आपकी केवल 2.4 थी अभी तक किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। डिजिटल सिग्नल्स का हम यूज करने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी लॉन्च हुई GSM, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, फिनलैंड में 1991 में ये सबसे पहले लॉन्च की गई। डिजिटल वॉइस कॉलिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया। SMS जो हम कहते हैं, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, वो फीचर में आया। CDMA एंड TDMA टेक्नोलॉजी हमने यूज की, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जबकि इसके विपरीत हम अभी तक फर्स्ट जनरेशन में FDMA को यूज करते थे।
सीडीएम में एंड टीडीएम में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस दैट वर फार बेटर एज कम्पेयर टू एफडीएम में एंड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हमें इसमें मिलती थी. मल्टी मीडिया सर्विसेज हमने यूज की, पिक्चर मैसेजेस हम सेंड कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेजेस हम सेंड कर सकते, इसको मैसेजेस कहते हैं. प्राइवेसी इसमें थोड़ी हम लोगों ने इम्प्रूव करी अपनी. फ्रॉड इससे बहुत कम हुआ क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज आपने बहुत हद तक रिजॉल्व किए. क्वालिटी और कैपेसिटी इसकी बहुत ही इम्प्रूव हुई. बैटरी कंजम्पशन जो आपका लार्जर फोन साइज था वंस फर्स्ट जनरेशन में, वो कुछ हद तक रिड्यूस हुआ और हमारी बैटरी कंजम्पशन जो थी वो कम हुई. वॉइस की क्लैरिटी इम्प्रूव हो गई क्योंकि हमने सिग्नल्स को डिजिटाइज किया था. नॉइज हमारी और भी रिड्यूस हुई. ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स थे सेकेंड जनरेशन के जो कि फार बेटर थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन जो कि एनालॉग था, जबकि इसके विपरीत ये डिजिटल था. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि थर्ड जनरेशन की अपने, तो थर्ड जनरेशन जो हमारा है वो 2G नेटवर्क्स हमने मेक बेसिकली वॉइस डेटा के लिए इस्तेमाल किया और स्लो ट्रांसमिशन था. ठीक है, यूजर एक्सपेक्टेशन की चूंकि डिमांड बढ़ती चली गई तो हम लोग 2G से डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहे थे. जो भी हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन थी उस पर हम प्रॉपर नहीं खरे उतर पा रहे थे, तो हम लोगों ने थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया. थर्ड जनरेशन जनरली हम लोगों ने 2000 के अराउंड लॉन्च किया और डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड थी वो हम लोगों ने बहुत इंप्रूव करी. 64 KBPS से हम आए कहाँ पे 144 KBPS टू 2 MBPS पर. ठीक है, 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ. जनरली जो हम स्मार्टफोन की बात करते हैं आजकल, एवरीवन सेज स्मार्टफोन, तो दैट इज टिपिकली जो स्मार्टफोन है वो आपका थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने सुना. और इंक्रीज बैंडविड्थ थी इसमें, डेटा ट्रांसफर रेट बहुत हाई थे इसमें. अगर आप बात करो कि आपको कोई भी MP3 डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप अब 1.5 मिनट के अंदर कर लेते थे, वरना पहले एक 3 मिनट का MP3 आपको डाउनलोड करने में 31 मिनट लग जाते थे सेकेंड जनरेशन में. बट थर्ड जनरेशन से अगर हमें कोई 3 मिनट का MP3 डाउनलोड करना होता है तो हार्डली इट विल टेक अराउंड मैक्सिमम 1.5 सेकेंड्स. ठीक है, तो काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूव किया. फास्टर कम्युनिकेशन पे हम आए. लार्जर ईमेल मैसेजेस को हम इजीली 3G में सेंड कर सकते थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे. 3D गेमिंग हम लोगों ने इसमें यूज़ करी. मोबाइल टीवी स्ट्रीमिंग जो हम आजकल कर लेते हैं घर बैठे, नेटफ्लिक्स वगैरह हम लोगों ने टीवी पे स्ट्रीम कर लिया, वो हम कर सकते हैं. थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारी होती है जो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ के एडवांटेज हैं तो थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं. जैसे इंटरनेट है, ईमेल है, ये सब हमारे एडवांटेज में आ गए. वीडियो क्लिप्स हैं, ये सब हम आराम से इसमें यूज़ करते हैं. लेकिन थोड़ा सा तो ड्रॉबैक हर जगह होता है, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक इसमें भी था. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि जो लाइसेंस सर्विसेज थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी 3G की. हम ग्लोबल रोमिंग कर सकते थे, नेविगेशन कर सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, टीवी स्ट्रीमिंग थी, GPS, फोन कॉल्स, ऑल फैसिलिटीज वर देयर एंड व्हाट वी वर कॉल्ड स्मार्टफोन्स. ठीक, तो लेकिन लाइसेंस सर्विसेज बहुत ही एक्सपेंसिव थी इसकी. ठीक है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी. सेलफोन्स, अब जाहिर सी बात है इतनी सारे फीचर्स आप उसमें कंबाइन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके सेलफोन्स जो है उनकी साइज बड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो सेलफोन्स का साइज काफ़ी इसमें बड़ा हो गया. ठीक, तो फिर हम कहाँ पे स्विच हुए? अब हम आज जो यूज़ करते हैं एट प्रेजेंट इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं 4th जनरेशन. ठीक है, तो 4th जनरेशन बेसिकली हमारा, जैसे अगर हम बात करें 3rd जनरेशन की, तो इट वॉज ब्रॉडबैंड. बट इन 4th जनरेशन वॉट वी फोकस ऑन अल्ट्रा ब्रॉडबैंड. ठीक, तो एवरेज स्पीड जो होती है इसमें 100 MBPS टू 1 GBPS. यदि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप अपनी 3 मिनट की MP3 फाइल को डाउनलोड कर सकते हो विद इन सेकेंड्स. ठीक है, अभी तक तो आपको क्या कहते हैं कि सेकेंड्स से मिनट्स लगते थे, बट अब 4th जनरेशन की अगर हम बात करें तो अगर 4 मिनट के कोई MP3 डाउनलोड है तो ओनली सेकेंड्स इट विल टेक, मियर सेकेंड्स इट विल टेक टू डाउनलोड द एंटायर फाइल. ठीक है, 2 मेजर सिस्टम्स US में इसमें हैं, WiMAX एंड LTE, दैट इज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. जनरली आप जब भी देखो अपना डेटा मोबाइल ऑन करते हो तो LTE लिख कर आता है, दैट इज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. ठीक है, तो US में 2 मेजर सिस्टम्स थे, WiMAX एंड LTE. ठीक, 4G को हम मैजिक भी कहते हैं बिकॉज इट अलाउज अस मोबाइल मल्टी मीडिया, एनी टाइम एनी वेयर फैसिलिटी, ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट. अभी तक ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, बट अब ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट हमें इससे मिलता है. इंटीग्रेटेड वायरलेस सोल्यूशन है हमारे पास. कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विसेज हम जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं. तो इसलिए इसको हम कहते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर. इन ईच कंट्री वी आर एबल टू यूज इट्स फैसिलिटीज.
ह्यूज डेटा रेट ये हमें प्रोवाइड करता है, हायर क्वालिटी ऑफ सर्विस इसकी हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी इसमें दोनों इंक्लूड है, और हायर नेटवर्क कैपेसिटी तो इसमें है ही। ठीक है, तो हमारा जो अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन हमारा बहुत ही अच्छे से इवॉल्व होकर आया, और हमारी बहुत सी मेजर कंसर्न्स जो थी, एक्सपेक्टेशंस जो थी थर्ड जनरेशन में जो मीट आउट नहीं हो रही थी, अब आराम से मीट आउट हो रही हैं। अल्ट्रा ब्रॉडबैंड पे पहुंच गए, 100 Mbps से 1 Gbps की स्पीड हमारे पास इंक्लूड हो गई, डेटा रेट अच्छा था, सर्विसेज की क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, क्लैरिटी ये सब इम्प्रूव हो गई हमारी, ऑल्सो दैट फाइट इज कॉल्ड एज मैजिक। ठीक है, डेटा रेट बहुत हमारे पास था, इसमें बहुत इजीली हम अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, फाइल की डाउनलोडिंग हमारी आसान हो गई, जो जो फैसिलिटीज हमारी 3G में थी उसको बहुत हद तक हमने इसमें इम्प्रूव कर लिया। अब एट प्रेजेंट जिसकी टेस्टिंग चल रही है इंडिया में, दैट इज द फिफ्थ जनरेशन। आजकल आप लोगों को मैसेज भी आ रहे होंगे 5G टेस्टिंग हो रही है तो बर्ड्स वगैरह इवन डाई कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। और फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये अभी यूज हो रहा है, बट इंडिया में अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, इट इज इन टेस्टिंग फेज बेसिकली इफ वी से। ठीक है, तो अगर हम और सारे जनरेशन की बात करते हैं तो 1G हमारा तो उसमें पुअर वॉइस क्वालिटी हमारी थी, ठीक है, बैटरी लाइफ बहुत पुअर थी, फोन्स के साइज बहुत थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे, फ्रॉड इश्यूज थे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में हमने GSM पे स्विच आउट किया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, सर्किट एंड पैकेजेस डेटा हमने यूज किए, FDM में से हम कहाँ स्विच हो गए CDMA में, ठीक है, या TDM में आप कह लो। ठीक, SMS की फैसिलिटीज हमें मिलना शुरू हो गई, फिर चूंकि कस्टमर्स की डिमांड हम मीट आउट नहीं कर पा रहे थे तो हम थर्ड जनरेशन पे स्विच किए, जिसमें हमें इंटरनेट है, ईमेल है, मल्टीमीडिया टेक्सटिंग है, और बहुत सारी फैसिलिटीज मिली, स्पीड हमें 144 Kbps तक हम लोगों ने इम्प्रूव कर ली, ठीक है, टू MBPS। ठीक, तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्विच ऑन करते चले गए, और सिर्फ हमारा फोकस था कि जो हमारे कस्टमर्स हैं मार्केट में उनकी डिमांड, उनके एक्सपेक्टेशन को हम मीट आउट करें। तो अब एट प्रेजेंट इंडिया में फिफ्थ जनरेशन पे टेस्टिंग चल रही है अभी, और वर्ल्ड वाइड ये यूज भी हो रहा है अभी, स्टार्टेड इन लेट 2010 स्टार्ट लेट्स में ये इवॉल्व हुआ। वायरलेस, कंप्लीट वायरलेस सोल्यूशन है हमारा ये, कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है जो कंप्लीटली वायरलेस सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, एंड इट बेसिकली सपोर्ट्स वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं था हमारे पास, ठीक है, वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब, लार्ज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ डेटा इन GBPS। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग हमारी GBPS, कि अब हम देखिए MBPS से हम GBPS पे आ गए, फोन मेमोरी बहुत अच्छी होती है, डायलिंग स्पीड बहुत फास्ट है, ऑडियो में क्लैरिटी है, वीडियोस में क्लैरिटी है। तो आप देखिए कि आप जैसे स्विच आउट कर रहे हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, वी आर जस्ट इम्प्रूविंग। ठीक है, एनालॉग था, ओनली वॉइस इन वन कंट्री स्पेशली। ठीक, ये हमारा डिजिटल हुआ, हमने GSM पे स्विच किया, ठीक, वॉइस था, SMS था। थर्ड हम आए तो इंटरनेट, ईमेल, MS, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम स्विच किए, जो भी ये फैसिलिटीज थी हमने इस पे इम्प्रूव की, TV स्ट्रीमिंग हमने कर ली। फोर्थ जनरेशन में हमने और क्वालिटी को इम्प्रूव किया, हम 100 Mbps से, ठीक है, 1 Gbps पे पहुंच गए। ठीक है, हमारी और जो भी रिक्वायरमेंट्स थी हमने मीट आउट करी फोर्थ जनरेशन में, इसलिए इसको हमने क्या कहा, मैजिक। ठीक, और आप अगर बात करो तो वाई मैक्स और LTE, US में हमारे दो सिस्टम्स डेवलप हुए थे, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर। ठीक, मोबाइल ब्रॉडबैंड एवरीवेयर, WWW जो हमारा था वो आपका इसमें लॉन्च हो गया। आप ठीक है, वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, जिसमें आपकी क्लैरिटी थी ऑडियो वीडियो में, अभी तक जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, डायलिंग स्पीड इज ऑसम। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपने सेलुलर नेटवर्क्स को कहाँ लेके चल रहे हैं, आगे की तरफ लेके चल रहे हैं, कि किस तरह से हम एट प्रेजेंट मार्केट में जो हमारे डिमांड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हम मीट आउट कर पाएं। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, इसको आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।